नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार तैयार, खरीदेगी नियोनेटल एम्बुलेंस। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष इंतजाम करने में जुटा है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसी के लिए राज्य सरकार ने सभी 24 जिलों के लिए नियोनेटल एम्बुलेंस खरीदेगी। झारखंड के नए राज्यपाल होंगे रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू की लेंगे जगह। झारखंड का नया राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। अब वो राज्य में द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की नवी राज्यपाल 2015 में बनी थी। इसके अलावा वो राज्य की प्रथम महिला भी थी। बता दें कि रमेश बैस मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाला है। इससे पहले रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में मिले 40 पॉजिटिव केस, 93 लोग ठीक हुए, 2 संक्रमितों की गई जान। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में 46 नए पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 93 लोग ठीक भी हुए, 2 मरीजों की मौत हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और गुमला से एक एक मरीज शामिल है। अब राज्य में 609 मरीज एक्टिव बचे हैं। 24 घंटे के भीतर कहां मिले कितने मरीज, आइए जानते हैं। बोकारो में 3, देवघर में 4, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 6, गिरिडीह में 1, गुमला में 4, खुट्टी में 1, लातेहार में 3, लोहरदगा में 1, पलामू में 1, रांची में 8, साहिबगंज में 5, सरायकेला में 1 और सिमडेगा में 4 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 मरीज नए मिले हैं। झारखंड में इंजीनियरिंग करने वाले लड़कियों को हर साल मिलेंगे 20,000 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम घोषणाएं की है। राज्य सरकार ने उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत किसी संस्थान से तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा करने वाले राज्य की छात्राओं को 10,000 रुपये तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिग्री की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता देने की विभागीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारखंड में बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे किसान, सभी की होगी विशिष्ट पहचान संख्या। झारखंड सरकार झारखंड के प्रत्येक किसानों को एक विशिष्ट पहचान देगी। इस पहचान के तहत किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी जो आधार से इतर होगी, जो आधार से लिंक होगी। राज्य सरकार का मकसद इस विशिष्ट पहचान के जरिए राज्य के करीब 35 लाख किसानों का एक डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें उनसे जुड़ी पूरी जानकारी संग्रहित की जाएगी। यूनिक आईडी को बिरसा किसान का नाम दिया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश रबी फसल से पूर्व 2 लाख से अधिक किसानों को नई पहचान देने की है। झारखंड में बंजर जमीन पर करें सौर ऊर्जा का उत्पादन, पैसा देगी सरकार। केंद्र सरकार की कुसुम योजना से राज्य के किसान अनुपयोगी और बंजर जमीन पर बिजली के पैदावार कर सकेंगे। इसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए किसानों को नाबार्ड और केनरा बैंक से लोन भी मिलेगा। पहले चरण में झारखंड में 50 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना है। सौर ऊर्जा यंत्र खरीदने के लिए बिजली वितरण निगम किसानों से 25 साल का करार करेगा। निगम का पावर परचेज एग्रीमेंट बैंक के लिए गारंटी का काम करेगा। बिजली निगम किसानों से सौर ऊर्जा खरीदने के एवज में जिस राशि का भुगतान करेगी, उसे किसानों को अच्छी आय होगी। झारखंड में भिंडी तोड़ रही महिला को हाथियों के झुंड ने कुचला, पति ने खेत में छिप कर बचाई जान। झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के कोह पंचायत के महतो टोला में मंगलवार की सुबह 5 हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और बेटी के साथ खेत में भिंडी तोड़ रही थी। इसी दौरान हाथियों का एक झुंड आ गया और महिला पर हमला कर उसे कुचल दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान रघुनंदन महतो की पत्नी हुलसी देवी के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाकर पटरवार BDO शैलेंद्र चौरसिया, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतका के परिजनों को वन विभाग की तरफ से तत्काल 20,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। मृतक के आश्रितों को वन विभाग की ओर से 4 लाख रुपये और अम्बेडकर आवास दिया जाएगा। CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए बड़ा बदलाव किया है। 50% कोर के साथ होंगे 2 टर्म एंड एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस साल की तरह अगले साल भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन की सहायता से तैयार होगा। इतना ही नहीं, 10वीं के रिजल्ट के लिए 9वीं के मार्क्स और 12वीं के रिजल्ट के लिए 11वीं के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा। CBSE ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश 5 जुलाई 2021 सोमवार को जारी कर दिए हैं। CBSE ने अपनी नोटिस में बताया कि नया सत्र 50% पाठ्यक्रम के साथ 2 सत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक सत्र के अंत में 50% सिलेबस की ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
ऐसा करने से आखिरी सत्र के लिए कक्षाएं लेने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा CBSE ने और भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करीब 80,000 छात्रों के रिजल्ट पर संकट, जैक बोर्ड ने दिया ये आश्वासन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करीब 80,000 छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण ये प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे सके थे, इसके कारण इनके रिजल्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जल्द इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई तो इनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। जैक अध्यक्ष अरविंद पसासी ने जानकारी दी है कि आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलते ही नया शेड्यूल जारी कर परीक्षा ली जाएगी। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है। जल्द अनुमति नहीं मिलने पर छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग रह सकता है। खबर है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड में थर्ड वेव में बढ़ सकती है पश्चिमी सिंहभूम की मुश्किलें। कुपोषण दर को देखते हुए ट्रांसफर पड़ सकता है भारी। झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने से पूर्व ही चिकित्सा जगत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसका खमियाजा पश्चिमी सिंहभूम जिले के नौनिहालों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक 0 से 18 वर्ष के बच्चों के संक्रमित होने की संभावना है। साथ ही पूरे राज्य में 7 लाख से अधिक बच्चों के संक्रमित होने का अंदेशा लगाया गया है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लंबे समय से एक ही जिले या स्थान पर पदस्थापित चिकित्सकों की तबादले की तैयारी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया कदम, खेतों में खुद मिनी ट्रैक्टर चला रही है महिला किसान। कृषि क्षेत्र में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। इस पहल के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर के वितरण की शुरुआत हुई। बीते दिनों विभिन्न जिलों के SHG को मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर प्रदान किया गया। हेमंत सोरेन सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही साथ यह कदम कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए झारखंड के कोडरमा में ट्रेकों को किया जा रहा है दुरुस्त। ग्रेड कोड सेक्शन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। रेलवे की योजना 2024 तक हावड़ा से नई दिल्ली तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की है। इसी के मद्देनजर गजंडी में पिछले कई दिनों से रेल ट्रक पर से पुराने पत्थरों को हटाकर मशीन के जरिए नए पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि पटरी दुरुस्त हो सके। कोरोना वायरस थर्ड वेव में बच्चों के लिए वार्ड ICU के साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखेगी सरकार। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में न केवल पीडियाट्रिक वार्ड और ICU की स्थापना की जा रही है, बल्कि सभी जिलों में बच्चों के लिए अलग से एम्बुलेंस खरीदने की भी तैयारी चल रही है। इस लहर में झारखंड के लगभग 7 लाख बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, जिनके समुचित इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बोले, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए गठित होगी कमेटी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। इसे लेकर शीघ्र ही एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में चिकित्सकों के अलावा विधि विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। मंत्री ने रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को यह आश्वासन एक वेबिनार के दौरान दिया। मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों पर अत्याचार होता है तो यह माना जाएगा कि यह राज्य सरकार के ऊपर काला धब्बा लगाने का काम हुआ। चिकित्सकों पर हमला राज्य सरकार पर हमला माना जाएगा। कोरोना के खिलाफ में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा उनके चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। झारखंड शिक्षक संघ ने भी की मोबाइल कंप्यूटर दान करने की अपील। गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में मदद पहुंचाने के लिए पुराने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि दान करने की पुलिस महानिदेशक की अपील का समर्थन शिक्षक संघ ने भी किया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजन चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीब अहमद ने कहा है कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गरीब बच्चों के लिए लोगों से पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस दान करने का संघ ने स्वागत करते हुए शिक्षकों सहित सभी लोगों से अपील की है। ऐसा करने से गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मेधावी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप आदि की सुविधा नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे।
इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।